हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि है गियर स्पोर्ट्स के बारे में। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों वॉच फेसेस जो गियर स्पोर्ट्स के बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट ही हैं। ये 6-7 इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट दिए हैं और आप इसको जो गियर ऐप आती है सैमसंग की अपनी, किसी भी मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉच फेसेस आप उसके थ्रू भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा भी आपको पसंद हो, डिजिटल एनालॉग वो सब सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो डिजिटल रखी हुई है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ है और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसका कलर चेंज करना हो, जो भी डिजिट्स आ रही हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। आप जैसे ही बेजल को रोटेट करेंगे, ये देखिए दोस्तों, जैसा भी आपको पसंद हो आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। जितने भी वॉच फेसेस दिए हैं मोस्टली सब में आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। और जो आप बैकग्राउंड में फ़ोन देख रहे हैं दोस्तों, वो है Note 9 मेरा और इसके थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों इसकी ख़ास बात ये है, ये जो कनेक्शन है इनके बीच में होता है गियर स्पोर्ट्स और Note 9 के, वो उसके उसका बैटरी कंजम्पशन बहुत ही कम है क्योंकि वो सीरियल इनपुट की तरह डाटा का कनेक्शन एक्टिवेट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो सेटिंग्स के अंदर मैं गया हूँ और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और इसका टच भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मतलब कोई लैग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आप चीप क्वालिटी की वॉच यूज़ कर रहे हो ऐसा आपको फील होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों वॉच, और वॉच ऑनली पे अगर आप करते हैं, ये सेटिंग्स में ऑप्शन है तो देखिए 30 डेज़ का स्क्रीन ऑन टाइम आपको दिखा रहा है और ऑलवेज ऑन भी कर सकते हैं वॉच को। लोकेशंस, वाईफाई इन बिल्ट है, वाइब्रेशन है, मोस्टली जो एक मोबाइल्स में रहती है, मतलब एक तरीके का ये मोबाइल ही है बट विदाउट सिम। और इसमें माइक और स्पीकर नहीं है इसके अंदर, और जो कॉल वगैरह आती है वो फ़ोन पे ही, मतलब इसके थ्रू रिसीव आप कर सकते हैं, बट आपको बात जो करनी पड़ेगी वो मोबाइल के थ्रू ही होगी। ये देखिए डिवाइसेस का, डबल प्रेस होम, वेकअप गेस्चर। वेकअप गेस्चर मीन्स आप जैसे रिस्ट अपनी रोटेट करते हैं तो अपने आप टाइम शो करने लगती है वॉच। ये एक ऑप्शन है दोस्तों बैटरी सेव करने का, मतलब हमेशा वॉच ऑन नहीं रहेगी, जब भी आप रिस्ट अपनी रोटेट करेंगे तो तभी आपको टाइम शो करेगा। नोटिफिकेशन डिवाइसेस में आपको सारी सेटिंग्स में सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसमें वाईफाई भी है और वाईफाई जो है मोबाइल का, जो भी आप कनेक्शन करते हैं मोबाइल में, जो भी हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, उसी के थ्रू ये कनेक्ट होता है। मींस मोबाइल और जो फ़ोन है दोनों एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। अब चलिए रोटेट करके, बेजल रोटेट करके आपको सेटिंग्स दिखा देते हैं। सेटिंग्स में दिखा चुका हूँ दोस्तों, ये म्यूज़िक है, म्यूज़िक ऐप है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी। जो भी आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले करेंगे वो मोबाइल पे प्ले होंगे और इसमें 4GB इंटरनल स्टोरेज भी है दोस्तों, जो कि आप इसमें गाने भी स्टोर कर सकते हो और ब्लूटूथ हेडसेट के थ्रू उसको सुन भी सकते हो, मतलब देयर इज़ नो नीड फॉर मोबाइल। नेक्स्ट आपको गैलेक्सी ऐप से बाय डिफ़ॉल्ट जो सैमसंग की आपके जो फ़ोन्स रहते हैं मोस्टली ये सब ऐप्स उनमें भी मिलती हैं, वही सारी एप्लीकेशंस हैं। स्टेप काउंट है दोस्तों और इसका जो बेस्ट फीचर है गियर स्पोर्ट्स का कि ये अपने आप ही डिटेक्ट करता है, चाहे आप रनिंग कर रहे हों, ट्रेडमिल पे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, उसके ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग कैलोरी जो भी बर्न्स होती हैं उसका डाटा आपको शो करता है। नेक्स्ट
आपको कॉन्टैक्ट दिखा देते हैं। ये फ़ोन है दोस्तों, देखिए जैसे मैं आपको कॉल करके अभी इसमें दिखाता हूँ कैसे फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होता है। देखिए तो अभी थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं। अब देखिए ये इसका डायलर है दोस्तों, डायलर मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 4 है, मैं ऐसे कॉल करूँगा। अब फ़ोन पे दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में नेटवर्क नहीं है इसीलिए कॉल कनेक्ट नहीं होगा। देखिए फ़ोन ऑन हो गया है, मतलब अगर नेटवर्क रहता तो ऑटोमेटिक कॉल चले जाता इस भी जो भी नंबर आप डायल करेंगे उस पर। नेटवर्क नहीं है फ़ोन में, और इसके बैटरी बैकअप के बारे में भी बाद में बात करेंगे दोस्तों। मैं आपके पूरी डिटेल में इसका बैटरी बैकअप के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है और जो भी चार्जिंग टाइम कितना है इसका, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट सेट ऑफ ऐप्स में चलते हैं। जैसे ही आप मेजर को रोटेट करेंगे तो नेक्स्ट ऐप्स वगैरह शो करने लगेगा। 2-3 सर्कल्स में ऐप आती हैं, कंप्लीट एक स्क्रीन पे शो नहीं होती, इसलिए इसके लिए 2-3 स्क्रीन में इन्होंने एप्लीकेशन शो की हुई है। देखिए नेक्स्ट है, अब ये इसका बेस्ट फीचर है, देखिए फाइंड माय फ़ोन। देखिए जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा नीचे स्क्रीन ऑन हो जाएगी, देखिएगा नोट 9 की, ये देखिए फ़ोन वाइब्रेट करने लेता है और कंप्लीट एक स्टैंडर्ड जो टोन है वो प्ले कर जाती है। ये एल्टीट्यूड के माने में सी लेवल से कितना एल्टीट्यूड है वो शो करता है दोस्तों, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी इसमें सेंसर है वो भी शो करता है। ये देखिए बैरोमीटर भी है इसमें, वही शो कर रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट ये मैचेस मैसेजेस वगैरह, न्यूज़ ब्रीफिंग, फ्लिप बोर्ड एप्लीकेशन दी हुई है जो बाय डिफ़ॉल्ट सारे सैमसंग के मोबाइल में मिलती है आपको। मैसेजेस का भी आपको दिखा देता हूँ मैं, क्या इंटरफेस है उसका। दो बटन्स मिलते हैं दोस्तों गियरस्पोर्ट में, राइट साइड में आपको टॉप का बटन होता है वो बैक का है, और उसी के जस्ट नीचे वो है मेनू का बटन। ये बैक मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वॉच फेस यूज़ करता हूँ। ये मैंने मेनू प्रेस किया अभी, ये देखिए अब आपको इसका कीबोर्ड भी मैं दिखा देता हूँ कैसा है कीबोर्ड। ये देखिए दोस्तों काफ़ी रिस्पॉन्सिव है टच, तो कोई ऐसा इशू नहीं आता है कि स्क्रीन छोटी है इसमें कैसे टाइप करेंगे आप। नॉर्मल जैसे आप क्विटरी कीपैड यूज़ करते हैं सेम ऐसे ही रिस्पॉन्स रहेगा इसका भी। मुझे तो कभी ऐसा इशू नहीं फेस हुआ कि टच में कोई लैग है या कोई लेटेंसी डिले है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। पूरी सेटिंग्स आपको लगेगी कि सैमसंग मोबाइल की ही इम्प्लीमेंट की हुई है, सारे जो ऑप्शंस हैं उनका सीक्वेंस भी सेम ही है जैसा मोबाइल्स में होता है। स्टेप काउंट वगैरह है, ये सारे स्टेप काउंट्स के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। सैमसंग हेल्थ ऐप आती है दोस्तों जो कि आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसका सारा डाटा उसी के थ्रू सिंक होता रहता है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी आपको सैमसंग हेल्थ ऐप में मिल जाती है, और इस पर भी आप देख सकते हैं। अगर छोटी स्क्रीन में देखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप सैमसंग हेल्थ ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सारी डिटेल आपको एक साथ मिल जाएगी। ये दोस्तों देखिए मैं
आपको दिखा रहा हूँ, ये जीपीएस, इनबिल्ट जीपीएस जो इसका है, आपको मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी वर्कआउट करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट है। देखिए रनिंग का टाइम जो किया है मैंने, वो रनिंग वगैरह सारी मैंने सेटिंग डाली हुई है। इनबिल्ट तो हार्डवेयर के बारे में दोस्तों, इसमें वाईफाई इनबिल्ट है, जीपीएस इनबिल्ट है, एल्टीट्यूड के लिए है सेंसर, प्रेशर का सेंसर है, बैरोमीटर वगैरह के लिए, और जायरोस्कोप वगैरह तो है ही इसके अंदर, और एक्सेलेरोमीटर भी है इसके अंदर। तो मतलब एक ही पर्टिकुलर सिम को छोड़ के सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और आप सिम वाली जो फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको आपको ब्लूटूथ के थ्रू आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये विजेट्स के बारे में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, कितने तरीके के विजेट्स अवेलेबल हैं, और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड डिलीट कर सकते हैं। मोस्टली जो गियर स्पोर्ट्स की जो सैमसंग की अपनी ऐप है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको उसी में मिलते हैं। मैं आपको वही एप्लीकेशन अभी चला के दिखाता हूँ अपने फ़ोन पे। गैलेक्सी गियर एप्लीकेशन कहते हैं दोस्तों उसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो तो मैंने इंस्टॉल की हुई है। ये जो सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्शन है इसका, वो आपको मैं शो कर रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ गैलेक्सी गियर एप्लीकेशन। ये देखिए दोस्तों, इंटरफेस आपको कंप्लीट शो करेगा। ये देखिए बैटरी परसेंटेज, स्टोरेज, रैम अवेलेबिलिटी, सारी इसमें डिटेल शो कर रहा है, वो भी रियल टाइम शो करता है। ऐसा नहीं कि कुछ डिले के बाद या कुछ पुराना डाटा आपको शो करेगा कुछ मिनट्स पहले का, ऐसा नहीं है, रियल टाइम डाटा शो करता है दोस्तों। और आप ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं जैसे आप मोबाइल पर करते हैं सैमसंग के, उसकी जो डायग्नोस्टिक्स ऐप आती है सैमसंग की, जिसमें आप जाके रैम वगैरह क्लीन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भी कर सकते हैं। देखिए फाइंड माय फ़ोन का, देखिए अब मैं फाइंड अपनी वॉच को, गियर स्पोर्ट्स को, वो आपको दिखाता हूँ मोबाइल के थ्रू। देखिए अब मैं प्रेस करूँगा फाइंड माय गियर स्पोर्ट, देखिए स्टार्ट करता हूँ अभी मैं इसको, ये मैंने स्टार्ट किया और देखिए, हाँ ये देखिए ये वाइब्रेट करना शुरू स्टार्ट कर देता है, कोई ऐसा साउंड नहीं आता इसमें से, ओनली वाइब्रेशन है। और इसका जो रेंज है दोस्तों, मैंने टेस्ट किया है, 10 मीटर्स तक तो इजीली काम करता है। अगर कोई वॉल वगैरह या कोई हिंडेंस नहीं है बीच में तो 10 मीटर्स तक इजीली वर्क करता है। इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देती हैं, नोटिफिकेशन ऐप, ट्रांसफर कंटेंट, SOS मैसेज, वॉच फेसेस के बारे में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट वॉच फेसेस आपको शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, इनमें से कोई भी आप चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी गियर वॉच पे आ जाएगा, गियर स्पोर्ट्स पे। बेसिकली गियर स्पोर्ट्स और गियर वॉच जो सैमसंग की है वो एक ही जैसी है, कुछ ज़्यादा इन दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली जो स्पोर्ट्स वाले फीचर, मुझको तो ऐसा लगता है कि गियर स्पोर्ट ज़्यादा बेटर है सैमसंग वॉच के इन कंपैरिजन। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी एक वॉच फेस सिलेक्ट किया है,
बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसी को ही रखता हूँ, क्योंकि तीन चार चीज़ें एक साथ दिख जाती हैं इस पर। चलिए दोस्तों, आप इंस्टॉल कीजिए इस एप्लीकेशन को, और गियर वॉच गियर स्पोर्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगेगी।